नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 16 मई 2018 के करेंट अफेयर्स पे। तो आइए देखते हैं आज 16 मई को कौन कौन सी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस है न्यूज़पेपर में जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे करेंट अफेयर का पार्ट हैं। इस चैनल से डेली करेंट अफेयर्स, मंथली करेंट अफेयर्स और जीएस का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद इसके लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इस करेंट अफेयर सेशन से लाभान्वित हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर सेशन। आज के करेंट अफेयर का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC का चेयरमैन चुना गया है। तो देखिए ये व्यक्ति हैं शशांक मनोहर। तो आपको शशांक मनोहर का नाम याद रखना है, इनको ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हाल ही में चेयरमैन चुना गया है। और देखिए एक खास बात यह है कि 2016 में ये चुने गए थे ICC के चेयरमैन, ठीक है, और तब से ये इस पद पर कार्यरत हैं और ये इस बार अपने दूसरे कार्यकाल के लिए इस पद पर चुने गए हैं ICC के चेयरमैन के रूप में। तो आप याद रखिएगा कि शशांक मनोहर को हाल ही में इनके दूसरे कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। अब थोड़ा सा हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर लेते हैं क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए ICC जो है ये एक गवर्निंग बॉडी है पूरे दुनिया के जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनकी, ठीक है, और इसका मुख्यालय है दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में और वनडे एग्जाम्स में खास तौर से इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है। और देखिए इसके वर्तमान चेयरपर्सन हैं शशांक मनोहर, जिनके बारे में भी हमने चर्चा की है। और देखिए इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डेव रिचर्डसन और इसकी मेंबरशिप है टोटल 104 देशों की यानी कि 104 सदस्य देश हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। और देखिए ICC की स्थापना जो है ये 15 जून 1909 को हुई थी। तो आप ये सभी पॉइंट याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस व्यक्ति को इटली ने नए फुटबॉल कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए इटली के जो है नए कोच बने अभी रॉबर्टो मंचिनी, ठीक है, और इनको इस पद पर 2 साल के लिए चुना गया है। और देखिए इन्होंने स्थान लिया है जियान पियरो वेंटुरा का। अगला प्रश्न है हाल ही में किस व्यक्ति को इटली के नए फुटबॉल कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए व्यक्ति हैं रॉबर्टो मंचिनी और इनको इस पद पर 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। और देखिए इन्होंने इस पद पर जियान पियरो वेंटुरा का स्थान लिया है। तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में रॉबर्टो मंचिनी को इटली के नए फुटबॉल कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है और इन्होंने इस पद पर जियान पियरो वेंटुरा का स्थान लिया है और इनका कार्यकाल टोटल 2 साल का होगा। अगला प्रश्न है कौन सा देश 2018 में बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो देखिए बिम्स्टेक के बारे में अभी हम पूरे डिटेल में जानेंगे क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अभी बस आप इतना जानिए कि नेपाल जो है ये 2018 में यानी कि इस साल जो है बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए बिम्स्टेक का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म जानना है। देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एक बार फिर से इसको देखिए, देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई सारे एग्जाम में जो है इसका एब्रिविएशन पूछ लिया जाता है। और देखिए बिम्स्टेक की स्थापना जो है ये 1977 में हुई थी और इसका जो सेक्रेटेरिएट है यानी कि इसका जो सचिवालय है ये ढाका बांग्लादेश में है। तो कई लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि बिम्स्टेक का जो है ये सचिवालय कहाँ पे है। तो देखिए ये है ढाका बांग्लादेश में, ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है। अब देखिए बिम्स्टेक जो है इसमें टोटल 7 सदस्य देश हैं। इसमें जो पहला सदस्य ये है बांग्लादेश, दूसरा है इंडिया, तीसरा है म्यांमार, चौथा है श्रीलंका, पांचवा है थाईलैंड, छठवां है भूटान और 7वां है नेपाल। तो देखिए एग्ज़ाम में एक प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ये बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। तो इसमें से जो है 3 ऑप्शन आपको दे देगा और एक गलत जो है उसमें घुसा देगा। तो उनमें से आपको जो गलत आंसर होगा उसको चुनना होगा, उसको जो है पहचानना होगा। तो आप याद रखिएगा कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल जो है ये बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट हैं और अभी इनको मैं याद भी करा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये आपका जो है, देखिए यहाँ पर आपको एशिया का मैप दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो केसरिया कलर का है ये इंडिया का पार्ट दिख रहा है, म्यांमार का, थाईलैंड का, ठीक है।
तो देखिए ये जो आपका बे ऑफ बंगाल है ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिए ठीक है। इससे जितने भी देश टच करेंगे ठीक है, वही जो है बिम्सटेक के मेंबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको इंडिया तो सीधे सीधे दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको बांग्लादेश दिख रहा है, फिर म्यांमार दिख रहा है ठीक है, फिर थाईलैंड दिख रहा है ठीक है, और देखिए ये आपका श्रीलंका है, और भूटान भी देखिए यहाँ पे पड़ोस में स्थित है, और आपका नेपाल भी जो है यहाँ पे देखिए पड़ोस में स्थित है ठीक है। तो इतने टोटल सदस्य देश हैं बिम्सटेक के ठीक है, और ये सभी बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं ठीक है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी आपकी बे ऑफ बंगाल है, इससे जुड़े हुए देश हैं। तो आपको जो है कभी नहीं भूलेगा, तो आप याद रखिएगा कि बिम्सटेक जो है इसमें टोटल 7 सदस्य देश हैं, और ये हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2018 का खिताब जीत लिया है? तो देखिए ये व्यक्ति हैं लुइस हैमिल्टन, और देखिए लुइस हैमिल्टन जी जो हैं ये मर्सिडीज के ब्रिटिश ड्राइवर हैं। तो देखिए ये भी चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछ लेता है कि कौन सा खिलाड़ी किस मूल का है ठीक है, यानी किस देश से संबंधित है। तो देखिए लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, और ये एक ब्रिटिश ड्राइवर है, यानी कि ये ब्रिटेन के निवासी हैं ठीक है, और इन्होंने अभी हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2018 का खिताब जीत लिया है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्बिया में आयोजित 4 देशों की अंडर 16 फुटबॉल प्रतियोगिता किस देश ने जीती है? तो देखिए ये प्रतियोगिता भारत ने जीती है, और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, देखिए इसमें टोटल 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें भारत भी शामिल था, और बाकी के 3 देश हैं सर्बिया, जॉर्डन और तजाकिस्तान ठीक है। तो सर्बिया, जॉर्डन, तजाकिस्तान और भारत के बीच में हाल ही में एक अंडर 16 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था सर्बिया में, और ये प्रतियोगिता जो है भारत ने जीत ली है तजाकिस्तान को 4-2 से हरा कर। तो आप ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, और देखिए एक पॉइंट और आपको याद रखना है, देखिए जो भारतीय टीम है ठीक है, ये इस कंपटीशन में यानी कि इस प्रतियोगिता में कोई भी मुकाबला नहीं आ रही थी किसी भी देश के टीम के साथ, और भारत की जो टीम थी इसको टोटल में टोटल 9 में से जो है टोटल 7 अंक प्राप्त हुए इस टूर्नामेंट में। तो आप ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि हाल ही में भारतीय टीम ने सर्बिया में आयोजित 4 देशों की अंडर 16 फुटबॉल प्रतियोगिता तजाकिस्तान को 4-2 से हरा कर जीत ली है। अगला प्रश्न है, रिमोट स्कोप प्रेशर बाजार और अवसर एशियाई और प्रशांत रिपोर्ट, यानी कि रिमिट स्कोप रेमिटेंस मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज एशिया एंड द पैसिफिक के अनुसार 2017 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है? तो देखिए ये देश है भारत। तो देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको सुनने में, इसको मैं थोड़ा सा और ईजी बना देता हूँ। देखिए आप सीधे सीधे याद रखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश जो है ये भारत है ठीक है, और बाकी ये याद रखिएगा कि ये किसके अनुसार है, इसलिए मैंने इसको जो है थोड़ा सा प्रश्न को लंबा कर दिया था, क्योंकि प्रश्न जो है किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पूछेगा, और मेरी बस इतनी ही जिम्मेदारी है कि मैं आपको सारी जानकारी दूँ हर न्यूज़ के बारे में। तो आप याद रखिएगा कि भारत जो है ये रेमिट स्कोप रेमिटेंस मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज एशिया एंड द पैसिफिक के अनुसार 2017 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बन गया है। अब देखिए आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि रेमिटेंस क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपके घर में कोई सदस्य है, वो सऊदी अरब या फिर अमेरिका या फिर कनाडा जो है कमाने चला गया है, तो वो जो अपने घर पे पैसा भेजता है उसको हम कहते हैं रेमिटेंस यानी कि प्रेषण ठीक है। तो आपका क्लियर होगा कि प्रेषण क्या होता है, और देखिए इसके बारे में कुछ और भी डिटेल हैं जो आपको जानना जरूरी है अगर आप हायर एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। अगर आप SSC बैंक और रेलवे का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप फिर भी जो है ये ध्यान सुनिए, आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप जानेंगे तो आपके अगले एग्जाम में काम आएगा। देखिए देश के प्रवासी श्रमिकों द्वारा भारत को 2017 में टोटल $69 बिलियन प्राप्त हुए हैं, और देखिए ये पॉइंट जो है बैंकिंग और आपका जो PCS और UPSC के एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है ऐसे आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि देश के प्रवासी श्रमिकों द्वारा भारत को 2017 में टोटल $69 बिलियन प्राप्त हुए हैं रेमिटेंस के रूप में यानी कि प्रेषण के रूप में, और 2017 में जो है एशिया प्रशांत की बात करें तो इसके सभी देशों को $256 बिलियन का प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा, और देखिए आपका एक पॉइंट तो क्लियर पहले से ही है कि भारत जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस यानी कि प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। अब आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि टॉप 3 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो देखिए टॉप 3 कंट्रीज़ के नाम आप देख लीजिए। देखिए भारत जो है ये पहले नंबर पर है $69 बिलियन के साथ, और
चीन जो है ये 66 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है और फिलीपींस जो है ये 33 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है रेमिटेंस यानी कि प्रेषण प्राप्त करने के मामले में। और देखिए दुनिया भर में प्रेषण यानी कि रेमिटेंस का जो कुल मूल्य है ठीक है इसका अनुमानित लगभग 40% जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है। अब देखिए हम थोड़ा सा एशिया फोकस करते हैं। देखिए एशिया पैसिफिक यानी कि एशिया प्रशांत देशों में ज़्यादातर प्रेषण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है। और देखिए नेपाल का जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर 81% रेमिटेंस यानी कि प्रेषण जाता है और भारत को जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर 67% जो है रेमिटेंस जाता है और वियतनाम का 66%, बांग्लादेश का 65%, पाकिस्तान का 61% और फिलीपींस का 56% जो है आंकड़ा है। ठीक है तो आप ये सभी आंकड़े याद रखिएगा कि किस देश में जो है कितना प्रेषण ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है। तो देखिए फिर से रिपीट कर लीजिए, नेपाल में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 81% प्रेषण यानी कि रेमिटेंस जाता है और भारत में 67% जाता है, वियतनाम में 66% जाता है, बाकी ये एडिशनल चीज़ें हैं। देखिए एग्ज़ाम में जो है जो पहले पे है और जो भारत का स्थान है ये पूछा जाता है। तो देखिए नेपाल जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेषण जाता है गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि 81% जाता है और भारत में 67% जाता है। तो देखिए इतने सारे आंकड़े आपने जान लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको मेनली फोकस क्या करना है, देखिए एग्जामिनर तो कहीं से भी पूछ सकता है लेकिन मेरा काम है थोड़ा सा आपको इम्पॉर्टेंट भी बता देना। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 2017 में भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेषण जो है यानी कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में ही आया है 2017 में। और देखिए दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो देश के प्रवासी श्रमिक हैं यानी कि जो विदेशों में कमाने गए हैं ये भारत को 2017 में 69 बिलियन डॉलर का प्रेषण भेजे हैं अपने घरों पे। ठीक है यानी कि ये अमाउंट भी आपको याद रखनी है, ये अमाउंट आपसे पूछ ली जाएगी। और देखिए तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एशिया प्रशांत यानी कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र है इसकी जो जितने भी कंट्रीज़ हैं टोटल जो है इसमें 256 बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है 2017 में। और तीसरी चीज़ आप याद रखिएगा कि भारत जो है ये पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर फिलीपींस है रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में यानी कि प्रेषण प्राप्त करने के मामले में। और बाकी आपको दो चीज़ें और याद रखना है, देखिए जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है इसमें अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नेपाल में जो है 81% प्रेषण विदेशों से भेजा जाता है नेपाल में, और जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर 67% प्रेषण भेजा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आप ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। तो देखिए यह स्थान है मुंबई। तो आपको याद रखना है कि मुंबई में हाल ही में सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। और देखिए इसकी खास बातें क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इसकी खास बात यह कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इस समारोह का उद्घाटन किया है यानी कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये चौथा संस्करण था सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी का। और देखिए इस प्रदर्शनी में 25 भारतीय राज्यों और लगभग 100 देशों के 625 प्रदर्शकों और 500 विदेशी प्रतिनिधियों ने इस वर्ष इस सम्मेलन में भाग लिया यानी कि इस प्रदर्शनी में भाग लिया है। तो आप ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले देखिए इसका आयोजन स्थल ही याद रखना है, ये मुंबई में आयोजित किया गया है और इस बार का चौथा संस्करण था सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी का। और अगला प्रश्न जो है ये आपके सभी परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में टेलीनार इंडिया का विलय किस दूर संचार कंपनी में हो गया। तो देखिए ये हुआ है भारतीय एयरटेल में। तो आप याद रखिएगा कि जो टेलीनार इंडिया है इसका हाल ही में विलय हो गया है भारतीय एयरटेल में। और देखिए टेलीनार जो है ये नॉर्वे की कंपनी है, ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। देखिए इसका नाम जो है टेले प्लस नॉर, ठीक है तो टेले का मतलब टेलीफोन हो गया, नॉर का मतलब हो गया नॉर्वे, यानी कि ये जो है नॉर्वे की टेलीफोन सेवा प्रदाता कंपनी है। और देखिए जो समझौता एक हुआ है अभी हाल ही में टेलीनार और एयरटेल के बीच में जिसके तहत ये विलय हुआ है, इस समझौते के तहत टेलीनार इंडिया की जो सारी संपत्ति है और ग्राहक हैं ये एयरटेल को मिल जाएंगे। और देखिए टेलीनार के पास आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और असम समेत पूर्वी व पश्चिमी यूपी के 44 मिलियन उपभोक्ता हैं, यानी कि इसके टोटल जो टेलीनार के 44 मिलियन उपभोक्ता हैं ये अब एयरटेल में शामिल हो जाएंगे, यानी कि अब ये एयरटेल के कस्टमर बन जाएंगे। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आज का करंट अफेयर सेशन ही समाप्त होता है। अब देखते हैं आज के करंट अफेयर पे आधारित स्पीड टेस्ट को। तो आपका स्पीड चेक करते हैं कि आप कितने स्पीड से जो है आंसर दे सकते हैं और कितने प्रश्न आपको आज याद हो गए।
तो आज के स्पीड टेस्ट का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन चुना गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताना है इन चारों में से चुन के, और आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आज के स्पीड टेस्ट का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2018 का खिताब जीत लिया है। तो देखिए ये खिताब किसने जीता है, आपको इन चारों में से चुनकर बताना है। तो आपका समय स्टार्ट होता है। और आज के स्पीड टेस्ट का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में टेलीनार इंडिया का विलय किस दूर संचार कंपनी में हो गया है। तो फिर आपके लिए 10 सेकंड का समय दिया जाता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज के स्पीड टेस्ट का चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। और आज के टेस्ट का पांचवा प्रश्न जो है यह है, रिमोट स्कोप प्रेशर बाजार और अवसर एशियाई और प्रशांत रिपोर्ट, यानी कि रेमिट स्कोप रेमिटेंस मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज एशिया एंड पैसिफिक के अनुसार 2017 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। तो आपका समय स्टार्ट होता है, जल्दी से सही उत्तर बताइए। तो ये टेस्ट यहीं समाप्त होता है, मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ सभी प्रश्नों का। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर है शशांक मनोहर, ठीक है। शशांक मनोहर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हाल ही में चेयरमैन चुना गया है और ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा इस पद पर। और देखिए आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर था लुइस हैमिल्टन। और जो आपका तीसरा प्रश्न था कि टेलीनार इंडिया का विलय किस दूरसंचार कंपनी में हो गया है, तो देखिए इसका विलय हुआ है एयरटेल में। और देखिए अब जो आपका चौथा प्रश्न था इसका सही उत्तर होगा मुंबई में, ठीक है। तो जो सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी का जो चौथा संस्करण है ये मुंबई में आयोजित किया गया है और इसका उद्घाटन किया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और जो आपका पांचवा प्रश्न था इसका सही उत्तर होगा इंडिया, ठीक है, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस यानी कि प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है भारत। तो आप अपना जो है सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और साथ ही साथ अपना स्कोर भी बता दीजिए कि आज आपने पाँच में से कितना स्कोर किया है। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर सेशन ही समाप्त होता है। कल मैं फिर आपके लिए डेली करंट अफेयर सेशन लेके आऊँगा। आपका काम है वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और इसके लिंक को शेयर भी कर दीजिए। और देखिए सब्सक्राइबर की संख्या इस चैनल पर बढ़वाइए ताकि मुझे और भी पढ़ाने में मज़ा आए और मैं आपको ऐसी जानकारी दे दूँ ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलत ना हो, यानी कि जो अचूक प्रश्न मैं देता हूँ। जैसा कि देखिए अभी समीक्षा अधिकारी में मेरे 95% करंट अफेयर आए थे, ठीक है, यानी कि आप जो है हमारे करंट अफेयर्स जो है कोई भी एग्ज़ाम आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। देखिए मतलब लगभग सभी एग्ज़ाम में जो है सारे के सारे करंट अफेयर इसी चैनल से आ जा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। तो भगवान करें ऐसा ही होता रहे और आप लोगों को फ़ायदा मिलता रहे हमसे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।